मधुबनी जिला में जो हम लोग घूमे हैं और हमारे अलायंस के प्रत्याशी हैं विनोद कुमार सिंह, उनके पक्ष में बिल्कुल एक तरफा माहौल दिख रहा है। खास करके इसलिए कि जो सरकार का कामकाज है उसको लेकर के लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। उसके अलावा जो 7 निश्चय में 2 में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि हर एक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, जैसे पटना शहर में रात में दिखाई पड़ता है उसी तरह हर एक गांव दिखाई पड़ेगा, और ये लग जाएगा अगले 3 साल में, और 5 साल का वो मेंटेनेंस होगा। वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपका 6 महीना में कोई गड़बड़ हो गया, मतलब लगातार ही रहेगा वो। तो वो भी जो वार्ड पार्षद है जो जीते हुए हैं उन्हीं के सुझाव पर क्या रास्ता कहाँ लगना है नहीं लगना है। तो जो अधिकार पंचायत में दिया, इतनी बड़ी संख्या में महिला जीत के आई 50% से अबव, तो उनको ये अधिकार तो यही सरकार दिया, नीतीश कुमार जी ने। या इतनी बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग जीत के आए, दलित समाज, ये तो सब सरकार का देन है। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। लोग बहुत तरह का कन्फ्यूजन करने का कोशिश करता है। अब मधुबनी में जितना काम डेवलपमेंट का हो रहा है वो आप सबके सामने में, तो मुझे ज़रूर लगता है कि कल कोई समस्या, और पंचायत प्रतिनिधि जो है वो तो जागरूक लोग हैं, चुनाव खुद लड़ते हैं, वोट लेके जीत के आते हैं, वो तो खुद ही ज़्यादा जागरूक हैं इस समाज में। आज ही बताइए कि 5 में 4 लड़की टॉप की है इस बार के मैट्रिक, एक लड़का मधुबनी का ही सेकंड किया, तो कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में खास करके लड़कियों की शिक्षा में हो रहा है। तो रिवॉल्यूशन है ना। जो नेता होता है, कुछ नेता आज का सोचता है और कुछ अपने लाइफ के आगे भी सोचता है, जो कुछ ऐसा कर दे जिसका प्रभाव 30 साल 40 साल 50 साल समाज में उसका प्रभाव रहेगा। तो खास करके लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में या महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में पंचायती राज में आप ईमानदारी से बताइए कि इस सरकार 2006 से पहले कितना महिला मुखिया बनती थी, कितना जिला परिषद बनती थी, एकाठो कहीं होता होगा तो होता होगा पूरा जिला में, कितना वार्ड सदस्य बनती थी, अब 4 चुनाव में कितनी महिलाएं निकल गई जीत करके, कितना बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बन गया। तो जो निकली अवेयरनेस तो आया ना भाई, समझदारी तो आई ना कब क्षेत्र का काम करना, तो पैरेलल वो हो गया ना। 6 करोड़ लोगों को आप घर बैठा दीजिएगा, है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना, कहाँ से चलेगा वो। तो इतना बड़ा क्रांतिकारी काम ये हुआ है जिसका इम्पैक्ट अभी भी दिखाई पड़ रहा है, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद और आपको दिखाई पड़ेगा। जो क्या जमीन पर नीतीश कुमार ने चेंज करवा दी, नीतीश कुमार को के काम को जितना लोग अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं इससे 10 गुना अप्रिशिएट उनके नहीं रहने के बाद करेंगे। अभी तो लगता है कि ये हुआ ये छूट गया, क्योंकि आकांक्षा बढ़ा दी है इतना, पहले कुछ था ही नहीं, तो कुछ अपेक्षा ही नहीं थी किसी से जो कुछ होगा, यही सच है। और उन्होंने कोई विभेद करके विकास नहीं किया, ये क्लियर मैं कर देता हूँ। वो अगर साइकिल दिए तो सबको दिए, चाहे बड़े लोग भी हैं उनके बच्चे भी साइकिल लिए, ड्रेस दिए तो सबको दिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाया, ये किसी को ये नहीं लगे कि सरकार ने उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया। ये कोई बहुत विजनरी होगा वही सब चीज करेगा। अब पहले पैसा नहीं था, कहा नहीं साइकिल एड्रेस मिलता था, कहाँ जाता था पैसा पहले के सरकार में। तो एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला है। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस चुनाव में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं विनोद कुमार सिंह, कल जब मतदाता सुबह वोट देने जाएंगे,
बहुत तरह का हवा पानी चलता रहता है इधर उधर, और लड़ाई सीधा है NDA वर्सेस RJD। ये निर्दलीय उर्दलीय जो है वो कागजे में है, वो सब फ्रिंज एलिमेंट, उसको क्या कहिएगा हिंदी में, मैं साइडे में साइड प्लेयर जो रहता है वही है, मेन खेल के मैदान में नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं ज़रूर अपील होगा, मधुबनी के मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है, जितने हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं कल के चुनाव में जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जिनका एक नंबर पर नाम है, और ये भी मैं अपील करता हूं कि आपका वोट गड़बड़ नहीं हो, ये तो वो पाई देना पड़ता है, स्ट्रेट एक लाइन खींचना पड़ता है बॉक्स में, वो दे करके उनको जिताइए, यही अपील है।